जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिन में जो झारखंड पुलिस द्वारा हमारे एक जवान के साथ मारपीट की गई थी, उसका वीडियो तेजी से पूरा वायरल हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। उससे वीडियो वायरल होने के बाद या वहाँ से उनके एसपी साहब से उनसे बात करने के बाद, उन्होंने वहाँ 3 बंदे निलंबित किए हैं और 2 को लाइन हाजिर किया है। लेकिन आज हमारे जो जवान हैं उनका एक छोटा सा वीडियो आया है बाइट, और उसने बताया कि सर उसमें 2 बंदे और थे जो कि मैन थे, और वो बंदे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वो एसपी साहब से गुहार लगा रहे हैं। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखें। घटना घटी जिसमें मुख्य आरोपी जोहार राम और मुन्ना प्रसाद भी है। चतरा एसपी साहब से आग्रह करता हूं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। पवन कुमार। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वहां के एसपी महोदय तक पहुंचाएं इस बात को कि जो 2 बंदे और हैं उनको भी सस्पेंड किया जाए। ऐसा ही मामला आपको पता है गुजरात में भी हुआ है, और गुजरात में भी वो बंदे सस्पेंड हैं, और गुजरात में जो उनके परिवार के जो बंदे हैं जिसके साथ घटना घटी थी मारपीट की, वो बंदों ने आपस में सुलह कर ली है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ कुछ हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से एक छोटा सा वो आया था। उन्होंने कहा कि सर सारे बंदे ऐसे नहीं हैं, हमारे पुलिस में बहुत से अच्छे जवान भी हैं, अफसर भी हैं, जो कि सेना के जवानों की इज्जत करते हैं, और आप सभी से अपील कीजिए कि भाई वो जवानों की रिस्पेक्ट करें। तो मैं उनके कहे अनुसार हमारे जो भी पुलिस के जवान हैं, अफसर हैं या आवास परिवार में हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी आप ही के भाई हैं, वो कोई फौजी बाहर से आके भर्ती नहीं हुआ है, वो भी इसी देश का एक आम नागरिक है, एक युवा है जो 17 साल में ही फौज में चला जाता है और अपनी आधी जिंदगी वहीं बिता कर आ जाता है। ना ही तो उसे समय से छुट्टी मिलती है। मुझे पता है कि आप भी इस देश के योगदान में भरपूर कार्य कर रहे हो। जो भी हमारी सेनाएं हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, देश की बाहरी सुरक्षा में भी लगी हैं, और हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तो आंतरिक सुरक्षा में भी लगे हैं, और जहां भी कोई ऐसी वो होती है कि पुलिस के द्वारा अगर स्थिति काबू में नहीं आती है तो पैरामिलिट्री फोर्स और सेना को बुलाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं कि कभी वहां फौजी के साथ मारपीट हो गई, कभी वहां फौजी को पीट दिया, थाने में जाओ तो उसको चक्कर कटाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? वो सैनिक आप लोगों के भरोसे सब कुछ भूलकर वहां ड्यूटी कर रहा है। हम तो वहां भी हमारे अधिकारियों द्वारा परेशान है, आप सबको पता है। समय पर छुट्टी मांगो तो इनसे ये छुट्टी नहीं देते। जो पर्सनल रिलेशनशिप की हमारी शादियां होती हैं, बहुत सी शादियों में हम, बहुत से हमारे जवान भाई की शादी में, सिस्टर की मैरिज में, इनमें भी नहीं आ पाते, क्योंकि वहां का सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि वहां भी चमचागिरी करने वाले मलाई खा रहे हैं, मजे मार रहे हैं, और जो तंग है, जो ग्राउंड में ड्यूटी कर रहा है, वो बेचारा तंग ही है, उसको कोई तजुर्ब नहीं दी जाती, और वो अपनी ड्यूटी में ही इतना बिजी है कि छुट्टी मांग मांग कर परेशान। या तो बोलेंगे कि भाई छुट्टी जाना है तो तू भी वोट पालिस में लग जा। तो हम तो पहले ही उन काले अंग्रेजों से परेशान हैं जो आज भी ब्रिटिश कानून को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ के हमने बहुत से अच्छे, मेरी जितनी भी, चाहे वो बड़े आरएएस अधिकारी हैं, चाहे आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत लोगों से अच्छी बातें भी होती हैं, उठना बैठना भी है, और मैं कहता हूं कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। हालांकि मेरे साथ आज तक कोई ऐसा हुआ भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ की बात नहीं है, हमारे बाकी जवानों के साथ, बहुत से जवानों के साथ इस तरह की घटना घटती है, और वो उन लोगों के द्वारा जिनके माइंड में सिर्फ ये है कि भाई मेरे को तो पुलिस की नौकरी लगी हुई है और मैं कुछ भी कर दूंगा। आप उस पब्लिक का ख्याल, जिस पब्लिक के टैक्स के पैसे, पता है पब्लिक हर चीज पर टैक्स देती है, एक नहाने के साबुन से लगा करके किन किन चीजों पर टैक्स देती है, अपना खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देती है, वो तनख्वाह आपको मिलती है एज ए पब्लिक सर्वेंट, आपको देश उन
जनता की भलाई के लिए कि भाई उनकी आप भलाई करो उसके लिए लगाया जाता है, लेकिन मैं देखता हूं कि आम पब्लिक पर तो ड्यूटी का प्रेशर हो या ऊपर से अफसरों का दबाव हो, वो डंडे का बल आम पब्लिक पर निकाला जाता है। वास्तव में एक सच्चा सैनिक, एक सच्चा जवान, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो, पैरामिलिट्री फोर्स का, चाहे आर्मी का और चाहे पुलिस बल का, एक सच्चा सैनिक, सच्चा सिपाही कभी भी निर्बल आदमी पर बल का प्रयोग नहीं करता है। अरे अगर चाहे वो जवान हो, चाहे आम पब्लिक हो, पता नहीं किस स्थिति में, किस गुस्से से आ रहा है, किस उसमें अगर कुछ उसने कह भी दिया या कुछ उससे छोटी सी मिस्टेक होगी, तो आप उसको ऐसे पकड़ते हो जैसे वो कोई बॉर्डर तोड़ के आ गया। बॉर्डर तो नहीं तोड़ा होगा शायद उसने, या कोई मिलिटेंट है कि गोलियां चला रहा हो। आप हमारा देखिए कि हम ऐसे ऐसे जगह में रहते हैं जहां धनाधन गोलियां चलती हैं, और उन गोलियों के बाद में भी अगर कोई बीच में सरेंडर करना चाहता है तो हम उसकी भी जान सेट करके उसको भी सरेंडर के लिए बोलते हैं। और आप एक आम पब्लिक, देखा जाता है कि उन लोगों की जो गुंडे, बदमाश, चोर, लुटेरे, जिनकी पुलिस स्टेशन में बैठा के आओ भगत की जाती है, आओ साहब चाय पियो, पानी पियो, क्यों, वो दो नंबर की कमाई जेब में डालता है तो उनकी इज्जत। और जो वास्तव में हकीकत में लोग डरते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाएं न्याय के लिए, उनको पता है कि चला हमारा ही पैसा लग जाएगा, उल्टा वहां हमारे से चाय पानी मांगा जाएगा। मैं मानता हूं किसी जमाने में पुलिस की पेमेंट कम थी और लोग इस तरह के तुच्छी जो हरकतें करते थे, लेकिन आज सरकार की तरफ से अच्छी सैलरी दी जा रही है। और याद रखो कि वो सही सैलरी मेहनत की कमाई ही आपको और आपके बच्चों के काम आती है। दो नंबर की जो कमाई है ना, दिखती बहुत ज़्यादा है किसी को लूटना खसोटना, लेकिन वो जहाँ से निकलती है ना, बोलते ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के, जब लेता है तो फाड़ के ही लेता है, कहाँ से निकलेगी कब निकलेगी पता ही नहीं। बच्चे बीमार होंगे, अपंग होंगे, लूले लगड़े होंगे या होंगे ही नहीं, और आपकी दौलत को कोई और ही खाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इंसान हो, इंसान की तरह ट्रीट करो, इस तरह का जो बल का प्रयोग न करो अगर आप अच्छाई से समझते हो तो। मेरा यही कहना था, जिनको सही लगता है इस वीडियो को शेयर करें और इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।